So today's topic is all about how to get good marks in your board exam 10th and 12th. Before starting this video, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हो या फिर आपने 10th 12th एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को अभी ही पॉज कर दें और ये वीडियो बस उन्हीं के लिए है जिनका एग्जाम बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो कि अभी 10th और 12th एग्जाम में है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या क्वेरीज सॉल्व करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन, हाउ एंड व्हाई डू एग्जामिनर्स गिव फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। So watch till end, you will get 10 to 50 marks more in every subject. So writing is bad if you think it's effect or not. What to do first when you get a copy in the board exam? What to do if you know that I am not able to do this question or half you know to the answer? Writing more pages is giving good marks. So watch until the end, I will share all the query and my pro tips in this video. So before starting this video, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब अपने बोर्ड एग्जाम में था तो मैं क्या क्या टिप्स, क्या चीज़ें यूज करता था। तो मैं अभी फर्स्ट टॉपिक आता हूँ कि क्या बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद हमें करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपना रोल नंबर फिलअप करता था, उसके बाद मैं अपने जो भी सब्जेक्ट होता था उसको अच्छे से लिखता था। देन थर्ड, पेपर कोड, इसको कभी भी गलत ना लिखे और सिग्नेचर, नहीं तो आपका अटेंडेंस नहीं माना जाएगा। सेकंड, पेपर का शुरुआत कैसे करें। तो बिफोर स्टार्टिंग द पेपर आंसर राइटिंग, आपको सीरियल वाइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसे अच्छे से पहले लिखो और जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दो, जिससे कि एग्जामिनर्स को पता चले। नोट यहाँ पे ये है कि अच्छी हैंडराइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस रीडेबल होना चाहिए। थर्ड, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें, या फिर आधे आ रहा है तो क्या करें। तो बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, अगर आप प्रश्न 10 स्टेप का है, अगर आपने 4 स्टेप कर दिया है तो आपको उसका पूरा मार्क्स मिलेगा। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। फोर्थ, पेज ज़्यादा लिखने से अच्छा मार्क्स मिलता है। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आप क्वेश्चन कितने पेज भरते हो, यहाँ मैटर करता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी कितनी है, ना कि क्वांटिटी मैटर करता है। तो आप क्वालिटी पे फोकस करो ना कि क्वांटिटी पे। जो क्वेश्चन जितने वर्ड में बोलता है उसी वर्ड लिमिट में लिखने की कोशिश करो और क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट होना चाहिए विद इन वर्ड लिमिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग खराब है तो मार्क्स मिलेगा। राइटिंग खराब है लेकिन रीडेबल होना चाहिए तो मार्क्स मिलेगा। अगर आपका राइटिंग खराब है और वो टीचर्स पढ़ पा रहा है और रीडेबल है तो आपको एग्जामिनर्स मार्क्स पूरे देंगे, बट आपका राइटिंग भी खराब है और रीडेबल नहीं है तो टीचर्स आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आपके पास टाइम है अभी भी अपना राइटिंग अच्छा करें। कॉपी में पैसे डालना या इमोशनल बातें लिखने से क्या आप पास हो सकते हैं? तो मेरा आंसर है बिग नो। जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर के पास कोई ऐसा नहीं होता कि वो आपको इमोशनल ब्लैक, मतलब आप ब्लैकमेल करो तो वो आपको मार्क्स दे दे। उनके पास फिक्स क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से ही वो नंबर देते हैं। इसलिए आप पूरी तरीके से पढ़ाई करो और ये सब फालतू के काम में ना फंसो। तो नाउ मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो कि मैंने अपने एग्जाम टाइम में यूज़ किया था, जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आए। टिप नंबर 1, सेट प्रायोरिटी फॉर इच सब्जेक्ट। पेपर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को कितना पढ़ना है। तो उस टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ें और या फिर आप टीचर की मदद ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्न के आधार पर भी तैयारी शुरू करें, इससे आपका फायदा यह होगा कि एग्जाम से पहले आप सारे टॉपिक कवर कर लेंगे जिसकी पूछने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। सो टिप नंबर 2, फोकस ऑन प्रिपरेशन। अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को बहुत ही कम कर देता है। तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसके लिए आप रूटीन बनाओ ताकि आप विषय को ठीक टाइम पर कवर कर सको। यदि आपका 10 दिन का समय लगता है 20 टॉपिक को
कवर करने में, तो प्रतिदिन दो टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखो कि दिन भर 24 घंटे में 18 से 20 घंटे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हद से हद 12 घंटे का रोज पढ़ना है और इसके बीच में आप आराम भी लेते रहो। मैं टिप नंबर 3, पॉजिटिव अप्रोच रखो। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव अप्रोच रिलैक्स रखता है और बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में आप समर्थ हो पाते हो, इसलिए पॉजिटिव सोच रखने की बहुत ही जरूरत है। आप जितना टेंशन लेते हो, अगर वो उसका 50% भी आप अपने पढ़ाई पे दोगे तो वो आप काफी बेहतर ला सकते हो मार्क्स। मैं टिप नंबर 4, टाइम लिमिट के साथ शुरू करें पूरे प्रश्न पत्र को हल करना। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि स्टूडेंट्स अपने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रखें कि आप एक लिमिट टाइम में प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होता है। यह तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए आप क्वेश्चन पेपर हल करने में ना केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि आप स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ होगी। माय नेक्स्ट टिप इज अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, रट्टा ना मारो। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता यह है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आ पाता है। इसे स्टूडेंट इस परेशान हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं देखकर क्वेश्चन को, कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी लगाया ही नहीं था, क्योंकि आपने तो रट्टा मारा था, क्वेश्चन आप समझ तो पाया नहीं। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह समझ कर पेपर दो, तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल के जवाब पता होगा। इसके साथ ही सिलेबस को पूरा उपयोग करो। परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए, इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। सो टिप नंबर 6, मेक अ टाइम टेबल। यह देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट्स अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करो। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करने और उसको उसके हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। जिस विषय में आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो उस विषय को आप सबसे ज़्यादा टाइम दो, लेकिन इस बात का बहुत ही ख्याल रखना कि जिस विषय पर आपकी अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन जरूर करना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कमज़ोर विषय पर टाइम दे रहे हो और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं कर रहे हो, जिससे आप उसमें भी कम मार्क्स ला सकते हो, जो कि आप उसमें बेटर परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि जो विषय आपको आता है ठीक तरीके से उसे अच्छे से दोहराएं और कमजोर विषय पर थोड़ा अधिक समय लगाएं। विद्यार्थी को सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब अपनाने की बारी आती है तो उससे कतराते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप अपने बनाए टाइम टेबल को बिल्कुल ना छोड़े। बी कंसिस्टेंट, जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है वैसा ही फॉलो करो, इससे आपकी सफलता जरूर ही मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा प्रो टिप्स दूंगा जो कि मैंने अपने एग्जाम के समय अप्लाई किया था। तो पहला टिप्स है, पुट 100% एफर्ट द टाइम दैट इज लेफ्ट बिफोर एग्जाम। आप अपना पूरा 100% एफर्ट दे दो एग्जाम से पहले। प्रिपेयर मोर इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट फर्स्ट। रीड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। प्रिपेयर ऑल टॉपिक इक्विवेलेंट मार्क इन एग्जाम। Do remember some point about each topic of the lesson. Prepare 5-year previous year question. So, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो don't forget to subscribe and follow. Thank you so much guys.